लगातार आतंकी घटनाओं को झेल रहे कश्मीरियों को पिछले कुछ दिनों में चोटी कटवा गैंग के खौफ का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब कश्मीरियों ने भी इस गैंग को खत्म करने की ठान ली है, जिसका नतीजा यह है कि चोटी काटने के आरोप में अब तक कई लोगों की पिटाई हो चुकी है। इतना ही नहीं, चोटी काटने के शक में आतंकी कमांडरों की भी पिटाई हो गई। घटना गांव ठोकरपोरा की है। बताया जा रहा है कि देर रात हिजबुल मुजाहिदीन के दो कमांडरों को चोटी काटने वाले गिरोह का सदस्य समझकर ग्रामीणों ने पीट डाला। लोगों के गुस्से और मार से बचने के लिए आतंकियों को गोली चलानी पड़ी। इन दोनों कमांडरों में एक हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नायकू था। नायकों को गंभीर चोटें आई हैं। कहा जा रहा है कि आतंकी गांव में अपने किसी संपर्क सूत्र से मिलने आए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि कश्मीर में चोटी काटने की घटनाओं का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के गुस्से का शिकार मासूम लोगों को ही होना पड़ रहा है। शुक्रवार को गुस्साई भीड़ ने एक मानसिक रोगी को चोटी काटने वाला समझकर जलाने की भी कोशिश की। वहीं सोपोर से मिली जानकारी के मुताबिक चोटी काटने के आरोप में भीड़ ने एक जिंदा शख्स को जलाने की कोशिश की। दूसरी ओर डल झील में एक युवक को डुबोकर मारने की कोशिश भी की गई और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उस पर कोड़े बरसाए गए। पुलिस के अनुसार करीब 115 मामलों में FIR दर्ज की गई है कि गैर सरकारी तौर पर 150 से अधिक घटनाएं चोटी काटने की हो चुकी हैं। डीवी लाइव के लिए श्रीनगर से सुरेश डुक्कर की रिपोर्ट।